सईद आसिम वकार। देखिए मैंने आपसे एक बात ये कही कि चिट्ठी में कहा गया कि मुहर्रम को त्यौहार बताया गया। मैं बहुत खुल के बता रहा हूँ कि ये शियाओं का खाली मामला नहीं है, ये मुसलमान कौम से जुड़ा मामला है। और किसी मुसलमान से पूछ लीजिए तो वो आपको बता देगा कि मुहर्रम कोई त्यौहार नहीं है, कोई त्यौहार नहीं है। मुहर्रम में रसूल अल्लाह के नवासे हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत है, तो इसको त्यौहार कैसे कह दिया? पहली बात तो ये। दूसरी बात, मैंने आपसे बहुत साफ तौर पर कहा था कि आपको अपना जो लेटर था उसमें वाजे करना था, सीधी सी एक लाइन लिख देते कि कोविड की वजह से अगर कांवड़ यात्रा रोकी जा सकती है तो ये भी रोका जा रहा है। लिखिए, बात खत्म हो गई थी। बात की जो चीजें बढ़ाई गई हैं उन पर सवाल खड़ा हो रहा है, और सवाल जैस खड़ा हो रहा है उसका जवाब देना होगा। आप चाहे कुत्ती तैयारी कर लें, आप चाहे उस लेटर को रात भर पढ़ें और दिन भर पढ़ें, घोल कर पी जाएं, लेकिन जवाब आप नहीं दे पाएंगे सर। नहीं सर, जवाब नहीं दे पाएंगे, आपके पास कोई जवाब नहीं है सर। मुझे एक बात पता है कि आपको आपके ऑफिस से एक गाइडलाइन जारी की जाती है कि सरकार को योगी जी की बचाना है, वाली गाइडलाइन पढ़ी आप? फिर उल्टा खड़ा होना पड़ेगा क्योंकि आप गाइडलाइन ही नहीं पढ़ते हैं। मुर्गा बंदा पड़े आपको लेकिन बचाना है। मैं आपसे, आप सुनते नहीं है सर। आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप चार नहीं है, दस है। आप सरकार को बचाने आए, बचा पाएंगे नहीं सर, आप मुझसे तो नहीं बचा पाएंगे। प्रॉब्लम आपकी ये है कि मैं कह रहा हूँ अगर कोरोना की वजह से था तो कोरोना के पॉइंट लिखकर खत्म कर देना था, ये बाकी के पॉइंट क्यों लिखे गए? अच्छा ठीक है, और अगर बाकी की वजह से था तो डीजीपी साहब क्लियर करें। नहीं क्लियर हो रहा है सर। ठीक, नहीं क्लियर हो रहा है, नहीं क्लियर। कोरोना की वजह से है या बाकी वजह से है?